हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे खीर मोहन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैं छेना तैयार करूंगी। छेना के लिए टोंड मिल्क गैस पे चढ़ा दी। मेरा दूध उबल गया है, अब मैं छेना निकाल लूंगी। मैं छेना निकालने के लिए दही यूज करती हूँ। आप नींबू या सिरका भी यूज कर सकते हैं। आंच को बिल्कुल कम कर देंगे और दही ऐड करते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे जब तक दूध फट न जाए। दही मैं फिर से ऐड करूंगी। दो चम्मच पहले मैंने डाला था, इसी तरह से मैं दही ऐड करती जाऊंगी और चम्मच से हिलाती जाऊंगी जब तक दूध फट नहीं जाता। ये देखिए, मेरा छेना दूध से अलग हो गया है। एक किलो दूध में मैंने चार चम्मच दही यूज किया था। अब मैं इसको छान लूंगी और एक बार पानी से धो लूंगी। अब मैं छेना को एक बार पानी से धो लूंगी। छेना को मैंने दही से फाड़ा है, इसीलिए इसको ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है। छेना को एक घंटा टांग के रख दूंगी। मैंने छेना को मसलिन क्लॉथ में एक घंटा टांग के रखा था। अब प्लेट में निकाल लूंगी और एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। आप चाहो तो इसे हाथ से भी तैयार कर सकते हो, नहीं तो ग्राइंडर में डाल के एक मिनट मिक्सी चला लें। एक मिनट मिक्सी में चलाने के बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। खीर मोहन उड़ीसा का बहुत ही फेमस डेजर्ट है। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब मैं इसमें एक चम्मच सूजी और हाफ चम्मच मैदा भी मिला दूंगी और इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक गूंथूंगी और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। अब मैं चाशनी तैयार करूंगी। चाशनी के लिए एक पैन में एक कप मैं चीनी ले लूंगी। दो कप पानी ऐड करूंगी और चीनी को पिघलने दूंगी। मैंने छेना का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब मैं छेना बॉल्स तैयार कर लूंगी। ये मैंने छेना बॉल्स बना लिया है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। चाशनी मेरा उबल गया है, अब इसमें मैं सारे छेना बॉल्स डाल दूंगी और 5 मिनट तक इसको बिना ढके पकाऊंगी। मैं दूसरे पैन में शुगर को कैरेमलाइज करूंगी। मैंने हाफ कप शुगर लिया है, उसको धीमी आंच पर कैरेमलाइज कर लेना है।
मेरा शुगर कैरेमलाइज हो गया है, इसको अब मैं चाशनी में डाल दूंगी जिसमें मेरा छेना बॉल्स पक रहा है, और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक चाशनी गाढ़ा न हो जाए। बीच बीच में मैं इसको देखती रहूंगी और छेना बॉल्स को पलटती रहूंगी। छेना बॉल्स पे कैरेमलाइज शुगर का कलर आने लगा है। थोड़ी थोड़ी देर पर छेना बॉल्स को पलटते रहें। मेरा खीर मोहन तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप सबको मेरी ये डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें।